अर हरि तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्याय उपाध्याय का। बहुत बड़ा शहर है। हाँ बेटा, बहुत बड़ा शहर है। तो फिर हम 4 दिन में कैसे घूमेंगे? घूमेंगे बेटा, हम तुम्हें घुमाएंगे। मुझे वहाँ समुंदर भी देखना है और वहाँ मुझे मेरी फोटो भी खिंचानी है। हाँ हाँ बेटा, आपकी फोटो भी खिंचवा देंगे। और मुझे वहाँ अमिताभ बच्चन के साथ भी फोटो खिंचवानी है। हाँ बेटा, वो भी काम हो जाएगा। बस भाई साहब, आपका बेटा बहुत बातें करता है, लेकिन एक बात है, आप बहुत धैर्यवान आदमी हैं। इसकी एक एक बात का सही सही जवाब दे रहे हैं आप। लगता है आपका इकलौता बेटा है। दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम दोनों इसे पाल रहे, बंबई ले जा रहे इसे घुमाने के लिए। भाई वाह, अगर आप नहीं बताते तो पता ही नहीं चले कि आपका बेटा नहीं है। बहुत प्यार करते हैं आप इसे, एकदम सगे बेटे की तरह। चाय वाले, चाची, ए गोली, तूने दीवार पिक्चर देखी क्या? हाँ, मेरे को उसमें से मस्त डायलॉग कौन सा लगा मालूम है क्या? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मुझे तो डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अपन वो पिक्चर वापस देखने जाएंगे। हाँ, चलेगा, चलेगा। ये कौन है रे? भाई कौन हो रहा है? मेरे चाचा चाची खो गए। अरे तेरे चाचा चाची नहीं, तू खो गया इस शहर में। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ खाया नहीं। यह मांग के कुछ नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है, समझा क्या?
ठीक है भाई, हाँ जैसा आप बोलो, मैं समझो एक आधे पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा, पटेल की दुकान पे मिलते ना। चोर चोर तुम? कहाँ मिलाई? नवरंग के पास है साहब। चलो उठ खड़ा हो जा। अरे चल ये उठा और निकल। भाई और बहनों, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, मैं एक फौजी हूँ, देश की सेवा करते करते यहाँ गवा बैठा, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। इस भिखारी को कोई आठा ना चार ना रुपया दो, रुपया दो बाबा। ए, क्या करते है? भिखारी के पैसे लूटते है। अरे 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 लोगों देखो, ये भिखारी के पैसे लूट रहे हैं। भिखारी को लूटा किधर? तेरे से फीस ली, तेरा इलाज किया आज, पहले तू अंधा था अभी दिखने लगा ना, फिर चल बैठ, चल बैठ। कमाल के लोग है, भिखारी के पैसे लूट लिए, अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, देखना कीड़े पड़ेंगे यहाँ। नाम क्या है तेरा? टोनी। बाप का नाम क्या है? पोनी। ए, सीधे से जवाब दे, समझा? सीधा ही तो बोल रहा हूँ, कितनी बार पुलिस स्टेशन बुलाकर एक ही बात पूछते रहते हैं आप। नाम, बाप का नाम? मेरा बाप बचपन में ही मर गया था, जिसकी शक्ल याद नहीं रही उसका नाम कहाँ से याद रहेगा। भगवान को बहुत मानता है तू? इस दुनिया में भेजने की मेहरबानी तो इसी की है। बहुत सवाल पूछने मुझे इससे। कल रात 8 बजे कहां था तू? कल रात को अपन चल जल्दी जल्दी याद कर, जल्दी बोल। याद तो है अपन को, लेकिन ये पुलिस स्टेशन है ना, यहां साला बहुत सोच के बोलना पड़ता है। वैसे कल रात को अपन हाँ कुलाबा में अपनी आंटी का यहां था, कभी कभार खाना खाने चला जाता हूँ, बहुत अच्छी मच्छी बनाती है। आप चाहे तो उसे यहाँ बुला सकते हैं, वो यहाँ भी आ सकती है और कोर्ट में भी। झूठ बोल रहा है ये। सच कहा आपने, झूठ बोला है, झूठ बोला, क्योंकि आप लोगों को पहली बार सच बोलकर कुछ फायदा ही नहीं, आपको हमेशा पहली बात झूठ लगती है, लेकिन आप अपन सच बोलेगा। पूछिए। कल रात जवेरी बाजार में तुमने एक ज्वेलर का बैग छीना, उसमें कुछ नकद और कुछ ज्वेलरी थी, बताओ कहाँ है वो? क्या बात कर रहे हैं साहब, किसी और का लफड़ा मेरे गले में क्यों फांस रहे? ये सब धंधा मैंने छोड़ दिया अभी, आजकल मैं गैराज में मैकेनिक का काम सीख रहा हूँ। साहब हाथ नहीं उठाने का, मारा मारी नहीं, अपन ने बोला ना अपन ने ये काम नहीं किया मतलब नहीं किया। है कोई गवाह आपके पास जो कह सके कि अपन ने यह बैग चुराया? नहीं ना। अब आप अपन को मारेगा तो हम हाँ कर देगा, लेकिन कोर्ट में जाकर हम ना कहेगा और जज साहब को बोल देगा कि आप लोगों ने अपन को मारा इसलिए हमने हाँ किया। इसमें क्या फायदा, ना आपको ना मुझको। मैं जाऊं? चल गोली। क्या हो टोनी, सब ठीक है ना? मेरे को मुन्ना ने बताया तेरे को पुलिस लेके गई, काय को उठाया? ऐसे ही टाइम पास के लिए बुलाया था। वो मैंने पाटिल साहब के बारे में बताया था ना, इनसे टाइम लिया है मिलने का है। उनके पास अपने जैसे लोगों के लिए काम निकलते ही रहता है। कब मिलने का है? बहुत नाम सुना है तेरा।
पुलिस के नाक में दम कर रखा है हा? मैं भी थोड़ा नाम सुना है आपका पाटिल साहब। ये गोली है ना, बहुत दिमाग खाया आपने। अच्छा? बोलता रहता है पाटिल साहब से मिल लो मिल लो मिल लो, तो मैंने बोला चलो आज मिल ही लेते हैं। बरोबर है। अब काम की बात करें पाटिल साहब। हाँ, काम की बात करने के लिए तो बुलाया, पर गप्पा मारने के लिए थोड़ी ना बुलाया। क्या है, कुछ लोग को गाड़ी बीड़ी चलाने का शौक होता है। अब शौक पूरा करने के लिए वो लोग बैंक से तो लोन ले लेता है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते लोन का पैसा देना भूल जाता है। अब ऐसा ये 5 केस आया मेरे पास, अभी उनके पास जाने का, उनसे पैसा लेके इधर लाने का है। अगर पैसा नहीं दे तो चाबी लाने का। एक गाड़ी का पीछे 2000 रुपया देगा मैं तेरे को। बैंक को गाड़ी भंगार में बेचने का है क्या? हा? भंगार बोले तो? बोले तो गाड़ी का इंजन टायर पत्र है क्या? क्या बात करता है रे? अरे 2002 का मॉडल कुछ भी बोलता है रे। पाटिल साहब, मार्केट में किस मॉडल का क्या भाव है ये अपन जान। बरोबर है। अपन एक गाड़ी के पीछे 10,000 लेगा। देख, वैसे हर एक काम के लिए मेरे पास दूसरा छोकरा है, मगर तेरे को इसलिए बुलाया क्योंकि चंदू भाई बोला कि तू अच्छा छोकरा है, इसलिए। चंदू भाई गलत बोला क्या? अपन अच्छा छोकरा नहीं है। अपना ऑफर समझ में आया तो बोलो, वरना अपन जाते हैं। थम थम थम, अरे घाई काई को करता है रे। जितना तू पैसा बोला मैं तेरे को देंगा। ये देख, ये फाइल में सबका नाम और पता है। गोली संभाल के रखने का, उन लोगों से चाबी ला के इधर रखने का, मेरे से पैसा ले जाने का। बरोबर पाटिल साहब, पहला टाइम मिलके उसकी बात को हानि करने चाहिए था। ये चंदिया, जो काम के लिए वो जा रहा है उसके लिए रकम बहुत कम है। वैसे ही विकास पाटिल को शाणा पाटिल नहीं बोलते क्या? सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए भाई साहब, मैं गाड़ी का पैसा भर दूंगा। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैं भर दूंगा पैसा, गाड़ी लेके मत जाइए आप प्लीज। ये चल उठा, चल ये ऊपर ले। चेक दे रहा हूँ ना भाई, पोस्टेड चेक दे रहा हूँ। अब गाड़ी मत लेके जाइए प्लीज, चेक दे रहा हूँ। अब मांगता है पूरी चेकबुक। गाड़ी अगर चलानी है तो पैसा देना पड़ता है, वसूली करनी पड़ती है। तो यहीं रुक, 10 मिनट में नहीं लौटे तो अंदर आ जाना। ठीक है। वो इधर ही रुक, मैं अन्ना को पूछ के आता हूँ। नहीं नहीं ना, साला 20 साल से अपन ये धंधा कर रहे हैं, ये देख हमेशा तेरे ही लफड़े में जब देखो होता है घपला। अन्ना, बाहर कोई लड़का आया है बैंक से, बोलता है अगर गाड़ी का लोन का पैसा नहीं दिया तो गाड़ी उठा के लेके जाएगा। अच्छा, बुला उसको, बुला। क्या रे शाने, तू क्या बैंक का पैसा लेके जाने को आया? पैसा नहीं दिया तो क्या गाड़ी लेके जाएगा? चल हिम्मत है तो उठा चाबी।
क्या रेशाने, तुझे लगा था तू बच जाएगा? हाँ चलो चलो, अच्छा किया, बराबर है, बहुत चर्बी चढ़ गया था साला शेट्टी को, डोज देना जरूरी था, और वैसे मैं सब सल्टा दिया, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ऐसे भी मरा किधर हेलकट, इतना जल्दी मर जाता तो शेट्टी का ही को होता। बैठ बैठ बैठ, चाबी दे। एक दो तीन चार, ये चार है, पांचवा किधर? पांचवी चाबी यहाँ है। दे दे। इसका अपन 20,000 लेगा। अरे क्या पैसे का बात करता है, अरे मैं तेरे को कितना लफड़े से बचाया तेरे लिए, मैं शेट्टी का पहचान वाले से बात किया, पुलिस वाले से बात किया, अरे किस किस से बात नहीं किया मैं तेरे लिए? मैंने तेरे को बोला शेट्टी के आदमी से बात करने को, पुलिस से बात करने को, नहीं ना, शेट्टी मर भी जाता ना अपन को फर्क पड़ता। ए अपन इस चाबी का 20,000 लेगा, क्या 20,000? मैं तेरे को 20,000 देगा। मैं तेरे को 20,000 देगा, टेंशन काहे को लेता है रे, चलो 20,000, एक दो तीन और चार। कोई और काम होएगा तो मैं याद करेगा तेरे को, संभल के जाना। पाटिल भाई, इतना बढ़ा के पैसा नहीं देना चाहिए इसको, दिमाग फिर जाएगा इसका दिमाग। ए चंदिया, इसका दिमाग पहले से ही फिरा है, और ऐसा फिरा दिमाग का लड़का अपन लोग के बहुत काम में आता है। अरे ऐसा ही लोग मेरे को शाना पाटिल नहीं बोलता है। खेले गोली, बांट दे सबको। क्या बात है, खिल रहे खिल रहे। लो दोस्त लोग, ऐश करो, लगिन तो ला। एक दो तीन चार। तेरा क्या प्लान है गोली? मैं तो सपना का शो देखने जाऊंगा, तेरी भी टिकट लाया हूँ। नहीं यार, ना नहीं बोलना, अपन तो घर जाके सोएगा। अरे यार सो जाना, हॉल में एसी की हवा खाते खाते सो जा, मैं शो देखूंगा, क्या? चल ठीक है। ये रकम आपको ज्यादा लग रही, इसका मतलब है मैडम की प्राइस की आपको खबर ही नहीं है। अरे आपने चैरिटी शो बोला ना, इसलिए मैंने इतनी कम रकम बोला, और मैं मैडम का सेक्रेटरी हूँ, बाप नहीं हो यार कि कोई भी डिसीजन ले लू। अरे मैडम का क्रेज देखो यार, मैडम की डिमांड देखो, और ये पब्लिक की लाइन देखो यार, आज तक मैडम के सामने कोई भी सिंगर टिका नहीं, क्योंकि मैडम का जादू जो है ना वो सर पे चढ़ के बोलता है, और तुम इतना कम पैसा बोलता है यार, है कैसे चलेगा बोलो। अरे भाई साहब ये सीट हमारी है, दिखा। हाँ है, दिखता नहीं, आराम कर रहा है, जा नीचे जगह बैठ जा, जा। अजीब आदमी है, क्या बोला इधर? मिले।
सजदे में सर को झुकाना पड़ा है, सजना से मिलने जाना पड़ा है, दे दीवाना एक नहीं मारा, दिल को समझाना पड़ा, चम चमा चम, चमा चमा चम, झांझरिया को झनकाना पड़ा है, सजना से मिलने जाना पड़ा दीवाना, दिल दीवाना, दीवाना दिल, दीवाना, दिल दीवाना, दीवाना दिल। हटो हटो हटो, अरे जल्दी से रास्ता छोड़ो ना यार, ए जल्दी से मैडम को जल्दी जाना है। हटो हटो हाय, ए चल हट पीछे हट, ए बड़ा तेरे को पीछे हट, पीछे हट ना बड़ा तेरे को पीछे। अबे धक्का क्यों मारता है, हां धक्का क्यों मारता है, मैडम को ऑटोग्राफी तो मांग रहे हैं लोग, ये लोग हैं तो मैडम है समझा, या दो एक्सक्यूज मी, मैं दे रही हूं ना ऑटोग्राफ्स, किसको चाहिए लाइए। इधर आप फोटोग्राफ देती रहेंगी तो उधर का रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा मैडम। सिगरेट से जला क्या यार, मैं सपना देख रहा था तू मेरी चिता को आग लगा रहा है। यार तुझे लेकर मुझे ऐसे ही सपने क्यों आते हैं, कभी तू मुझे बावड़ी में ढकेलता है, कभी रिवॉल्वर लेके सड़क पे मेरे पीछे भाग रहा है, कभी इंजन के आगे धकेल रहा है। यार तू मेरा दोस्त है या दुश्मन बता ना। सो जा। सो जा। इतनी रात गए इतनी सिगरेट क्यों पी रहे तू है? अच्छा 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 समझ गया, लगता है तू सपना के सपनों में अटक गया है। आ, 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 कहना दोस्त औकात पता है ना, औकात औकात आदमी को खा भी अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए, वो जो चीज है ना तेरी पहुंच से बहुत दूर है। अरे यार वो शौक के लिए नाश्ती खाती है, बड़े बाप की बेटी है समझे ना। बड़ा मतलब क्या हा? अपन कोई छोटा है, अपन ने भी बहुत कुछ बनाया इस शहर में, ये देख रहा है ना ये सब अपन का है, बात करता है। क्या बना है, कितना बना है यार, अरे वाह 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 वाह, और पुलिस स्टेशन में एक फोटो लगी है आपकी, पुलिस वाले भी इज्जत से बातें करते हैं। देख दोस्त सीधे दिमाग से उल्टा सोचना बंद कर दे और सो जा, जा चल सो जा, तू सो जा क्योंकि तेरी किस्मत सो चुकी है, अपन तो जागेगा क्योंकि अपनी किस्मत तो जाग चुकी है। अरे क्या प्रोडक्शन ही कर रहे, देख क्राउड तंग कर रहा है, अरे यार तुम लोग हटो यार, मेहरबानी करके शूटिंग करने दो यार, समझ नहीं रहे तुम लोग यार। नाटू ऐसा जूम चार्ज करना समझा ना, सब प्रॉब्लम बहुत है यार, जा मैडम को बोलो शॉट रेडी, बुला मैडम को, नाटू तो रेडी है ना, जल्दी क्या बॉडी पर गिरोगे मैडम, एक्सक्यूज मी मैम शॉट इज रेडी। क्या शॉट रेडी है बोलता तू, पहले ये भीड़ को तो हटाओ ना यार। अरे हीरोइन ही दिख नहीं रही यार, ठीक नहीं थोड़ा पीछे हो जाओ ना, हमारा शॉट रुका है, मैडम चली जाएगी घर पे, जाओ ना पीछे यार, हट गया ना यार, और कितना हटू बोल, कहाँ लगा रहे लोगों को, पीछे चलो, पीछे चलो, चल 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 चल, बोला ना वो गाड़ी के पीछे जा, हाँ अभी तो क्या गाने की शूटिंग चल रही है क्या,
एक्शन की शुरू हो जाएगी, समझा? चल चल हट, पीछे चल, ए चल, ए उधर क्या कर रहा है, इधर आ, पीछे चल चल। हेलो, थैंक यू वेरी मच। अरे आपने तो कमाल कर दिया, एक ही झापड़ में मैदान साफ कर दिया। वो मैडम दिख रही ना, सपना मैडम। मैं उनका सेक्रेटरी पंकज भाई। टोनी भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई यार, बहुत खुशी हुई। कुछ ठंडा गरम लोगे कि नहीं? आप बैठे नहीं यार? सॉरी सॉरी, ए स्पॉट, कुर्सी लेके आया यार, किधर है, किधर है यार, जल्दी लेके आ। बैठो बैठो टोनी भाई, बैठो यार। गोली? ओ गोली, अरे यार नाम है गोली। और अच्छा, मैं तो घबरा गया था। ए स्पॉट, एक और कुर्सी ला यार जल्दी से। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। हां देख, ये पूरा बॉडी के साथ 1 2 ऐसा। अरे पूरा बॉडी को लेना यार, 1 2 1 2। को समझ में नहीं आ रहा है यार। ए राजू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पांव हिला, चल पैर हिला। ए संतोष बता इसको यार। जी मास्टर जी। अरे देख ना, इतना सिंपल है यार, ऐसा। ए देख ऐसा, कहां से अलग सा है क्या, पांव हरी हो गई तेरा, चल पांव हिला, तेरा पांव हिला। ए वापस बता इसको, ऐसा। ए देख ऐसा करके और ऐसा। कितना सिंपल है, कर नहीं पा रहा। हां तू कर सकते है क्या, फिर क्या? ए असमत करके दिखाओ क्या? नहीं नहीं जाने दे, बैठ बैठ, काय के लिए खाली बिली, बैठ। सीधे दिमाग से सोच, सुन मेरी बात, टोनी सुन, टोनी। ए भाई मैं करके दिखाऊं क्या? भाई साहब ये भाईगिरी नहीं है, डांस है। किसी से सीखा है क्या? नहीं। तो कैसा करेगा? भाईगिरी भी अपन किसी से सीखा नहीं है। मास्टर जी अगर ये इतना कॉन्फिडेंट है तो एक बार देख लीजिए ना।
मुझको सताना सारी सारी रात मेरे सपनों में आना हाय रोज रोज अच्छा नहीं मुझको सताना सारी सारी रात मेरे सपनों में आना रब की कसम मेरा भी तो यही हाल है दिन रात सुबह शाम तेरा ही ख्याल है दुनिया ये सारी लगती है बोर चिट्टा तुत मुंडा रवाना खोर रात हो सवेरा हो या हो भरी दोपहर कहती नित सोने मंगा मैं तेरी है चिट्टी तुत कुड़ी नवीन कोर वो चिट्टा तुत मुंडा रवाना खोर रात हो सवेरा हो या हो भरी दोपहर वेरी गुड मैडम बहुत अच्छा थैंक यू मास्टर सपना जी मैंने दूसरा गाना कंपोज कर लिया है जी उसकी रिहर्सल के लिए कल आवाज आई है हां मास्टर वहीं बैठ के शूटिंग का डेट का हम सब फाइनल कर लेंगे ओके मास्टर ओके बाय थैंक यू मास्टर ऑल द बेस्ट बाय क्या बात है हैं उसने तुझे उंगली थमाई तूने पूरा हाथ ही पकड़ लिया हैं क्या मतलब यह मतलब बड़े हाथ फेर रहा था हैं गालों से तेरा हाथ ही नहीं हट रहा था चल ना हमें देख ओके बाय 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 हटो हटो जल्दी कर मेरा वो क्या हुआ मैडम ओ हां टोनी भाई तो भूल ही गए थे तुम बहुत अच्छा नाचते हो बहुत अच्छा टॉप डांस किया है चलो हो गया ना अब उसको दिमाग से निकाल दे उसकी तेरी कोई बराबरी नहीं हाँ इसकी बराबरी पर खड़ा होना है मुझे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े अनुभाई के मटके का माल कब निकलता है फ्राइडे को आज क्या है फ्राइडे अभी ये तो हमें ठोक देगा पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है ना एकदम परफेक्ट देखो यार मैडम का डिमांड देखो यार है दूसरे का कंफर्म डेट कैंसिल करके मैडम तुम्हारा सॉन्ग का रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं और जल्दी से तुम्हारा पैसे का रोना वही को वही यार थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे सर जो फिगर बोला वही करो यार बक्सी साहब से बात कर लो दस मिनट टोनी भाई हटो यार तुम इधर कैसे यार अच्छा अच्छा समझ गया अपनी लाइन का चस्का तुमको भी लग गया है कि नहीं सॉन्ग का रिकॉर्डिंग कर रहा है हां अच्छा अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है यार
अपन खुद कर रहा है। अच्छा अच्छा गुड गुड, करना चाहिए यार। मैं क्या बोलता हूँ, एल्बम में अगर कोई डुएट होगा ना तो मेरे से बोलना, मैडम से गवा दूंगा यार। नहीं नहीं, कोई दूसरा सिंगर फाइनल कर लिया तो कोई बात नहीं, मैडम के पास बहुत काम है यार। नहीं नहीं पंकज भाई, ये गाना है ही ऐसा कि सपना जी के अलावा और कोई गा ही नहीं सकता। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को फोन करना है, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, आता हूँ मैडम। अरे जल्दी कर यार, तू रिकॉर्डिंग में भी जाना है, ए फोन करना मत भूलना है। जल्दी कर बापू। आइए मैडम इधर आइए, इधर देखो। एक्सक्यूज मी सर, आपका पेंडेंट। आज तो इससे बात कर ही लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप क्या यहाँ रोज आते हैं? सच बोलो, अपन यहाँ पहली बार आया है, सिर्फ तुमसे मिलने को आया है। वो कह रहा है कि अपन तुमसे प्यार करने लगा है और तुमसे शादी में आना चाहता है, तुम्हारा क्या विचार है? यह अपन ने तुम्हारे लिए बनाया है। अपना इस दुनिया में कोई नहीं है हा? लेकिन अगर तुम किसी से मिलाना चाहती हो तो अपन एकदम तैयार है। हा? चलो। कपड़े ठीक है ना? अच्छे हैं, चलें। क्या टोनी, तू तो एकदम सेट हो गया यार। मानना पड़ेगा तू है भाई, दुनिया चलाता है तू। इतना तूने कर दिया ना, आगे का अपन सब सेट कर लेगा। आज से सारे उल्टे काम बंद, लाइफ एकदम सिंपल। अभी वहां से बस आएगी। बस आएगी अभी। हाँ, क्या खाओगे टिफिन में? मैंने चिप्स डाले हैं, ठीक है? क्लास में बिल्कुल मस्ती नहीं करना, ध्यान से पढ़ना। अरे बस आ गई, चलो 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 चलो। अरे भैया बस रोकना, एक मिनट। चलें जी। हाँ चलो। टिफिन? टिफिन तो तुम्हारे हाथ में रह गया, हमेशा टिफिन देना भूल जाती हो तुम। अब क्या खाएगा वो पूरा दिन? हाँ तुम ही खाना इस टिफिन में से। ये लो पकड़ो पकड़ो, तुम ही खाना इस टिफिन में से। कौन सा टिफिन? कोई टिफिन नहीं। देख टोनी, वैसे तू है समझदार, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, कहीं कोई लफड़ा मत कर देना। नहीं नहीं, ये सब छोड़ दूंगा, सब लफड़े बंद। हाँ क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस हेलो। अरे सपना तुम यहाँ आ जाओ। सर ये रिपोर्ट बाद में देखेंगे क्या? नहीं दिस इज अर्जेंट, तुम पूरी फाइल रेडी करके रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। तुम अचानक यहाँ? डॉक्टर साहब ये है टोनी, टोनी ये है डॉक्टर अजय सक्सेना। नमस्ते। नमस्ते सपना, मुझे एक अर्जेंट फाइल देखकर रिपोर्ट तैयार करनी है, आप लोग बैठे हो, मैं 10 मिनट बाद।
टोनी, तुम जानते हो ये डॉक्टर कौन है? मेरे होने वाले पति, माय फियांसे। इनसे मेरी शादी होने वाली है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उठना टोनी, टोनी बात सुन यार, उठ टोनी, हट। अरे हट। अरे यार टोनी, अच्छा दिखता है क्या है? गाड़ियां खड़ी है, लोग परेशान हैं, तुझे तो होश भी नहीं है। छा, मुझे तो शर्म आती है। ए, ए मेरे दोस्त, इधर आना। ए मेरे पास आ, इधर तुझे शर्म क्यों आती? मैंने कुछ किया क्या? गाड़ी दी क्या? मैंने मारा किसी को? सुन 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 मेरी बात सुन। नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मेरी बात सुन। नहीं मारा किसी को। मेरी बात सुन। तू रास्ते पे पड़ा हुआ है, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, और तू बोलता है गलती क्या किया? चल चल उठ, देख सब हॉर्न बजा रहे हैं। चल 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 चल, उठ उठ उठ। हॉर्न क्यों बजा रहे यार? टोनी टोनी सुन सुन, मेरी शादी है इसके साथ, इसके साथ देखे। तुम लोग हॉर्न क्यों बजा रहे यार? बैंड बजाओ, बैंड बैंड बजाओ। सब जाने दो, नाच दो। मैं नाचता हूँ, नाचता हूँ, बोला ना। ये ले ले, गाड़ी गाड़ी। चल अब पीछे जा, पीछे जा, पीछे से जा। बेवड़े कहीं के मस्त मौला, हम है मस्त मौला, अपनी धुन में है मगन दिल के बादशाह। हम है मस्त मौला, हम है मस्त मौला, अपनी धुन में है मगन दिल के बादशाह। जारी जा मोहब्बत तेरी क्या हकीकत, कब क्या रंग दिखाए किसको क्या पता। एक नजर इधर भी देख यार, प्यार कर, दिल दिया है तुझको मैंने एतबार कर। अरे यार टोनी, हाँ एक शेर यार, मेरा खुद का अपना है, सुना? चल सुना। तो सुन, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, है? मेरा दिल मचर गया तो मेरा क्या कसूर है? ओ अबे गोली, क्यों गोली दे रहा है यार? ये तो किसी पिक्चर का गाना है मेरे दोस्त। तू ओरिजिनल सुना? मेरा ओरिजिनल सुना, सुना, सुना? मैं खुशी पे इस कदर क्यों आपको गरूर है, गरूर है। हमको देखिए हजूर, बिन पिए जरूर है। क्या बात है, क्या बात है, मर गए। आपकी निगाह का असर है ये, या कि मैं खुशी का ये खुमार है। सर है ये, या कि मैं कशी का ये खुमार है। हमको ऐसा लग रहा है जाने क्यों, कि आपको भी हमसे बहुत प्यार है। हमने बात आज तुमसे कहनी थी यही, कब से ढूंढते थे मगर तुम मिले नहीं। हाँ
मस्त माला, हम है मस्त माला, अपनी धुन में है मगन दिल के बादशाह। शराब के ऊपर है, सुना दे। मेरा अपना है? सुन, कभी मखाने तक जाते हैं और कम ही पीते हैं, घटा जुल्फों की छा जाए तो बेमौसम भी पीते हैं। यार अभी तो वाओ बोल रहे हैं, गोली फिर से गोली दे रहा है यार। ये तो पंकज उदास की गजल है। अरे यार हर बार पकड़ता है तू। तू मेरा सुन, एकदम ओरिजिनल है, एकदम। हाँ सुन सुन सुन। जो अंटी के अड्डे पे जाते हैं वो फिर कम क्यों पीते हैं? क्या बात है वाह, ये कैसे ब्योरे हैं जो पैक गिन गिन के पीते हैं। वाह वाह वाह। आपके बिना न जी सकेंगे हम, यही सच है मान लीजिए। है आपके बिना न जी सकेंगे हम, बात यही सच है मान लीजिए। बेबसी हमारी जान लीजिए, उसके बाद चाहे जान लीजिए। कैसी बेबसी है आपको है कैसा गम, हम भी आपके हैं दिल भी आपका सनम। हम है मस्त माला, हम है मस्त माला, अपनी धुन में है मगन दिल के बादशाह। जारी जा मोहब्बत तेरी क्या हकीकत, कब क्या रंग दिखाए किसको क्या पता। एक नजर इधर भी देख यार प्यार कर, दिल दिया है तुझको मैंने एतबार कर। सपना क्या गा रही थी यार। ए टोनी यार सुन, मेरी एक बात सुन। हाँ। तू सपना का सपना दिमाग से निकाल दे, तू जो सोच रहा है ना वो होने वाला नहीं है। नहीं 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 गोली, वही चोगा वही चोगा। अरे यार अपन बड़ा आदमी बनेगा ये, तेरे को याद है? तेरे को याद है मैंने क्या कहा था? सपना उस डॉक्टर से प्यार नहीं करती, वो तो उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना है। सपना अपन से प्यार करती है, अपन उसके लिए बड़ा आदमी बनेगा। कैसी कैसी बात कर रहा है तू? है? अरे तू बड़ा आदमी बन के क्या तू उस डॉक्टर से मुकाबला कर सकेगा क्या? करूँगा। तेरे पास पैसे देख के सपना के माँ बाप उसका हाथ तेरे हाथ में देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसी बात कर रहा है तू? अपन एड़ा नहीं, वो साला डॉक्टर एड़ा। ठीक है वो डॉक्टर ही एड़ा है, मैं एड़ा हूँ। तू मेरा दोस्त है, वो डॉक्टर एड़ा है। अच्छा मैं दोस्त हूँ ना? हाँ। तो दोस्त की बात सुन। ठीक है। अरे जिंदगी में पढ़ाई लिखाई काम काज नाम पहचान भी कोई चीज है कि नहीं? नहीं नहीं, अपन को पढ़ लेकर डॉक्टर नहीं बनने का, अपन को पैसा कमाने का है। एक बार पैसा आ गया ना गोली, तो सपना अपन की। अरे क्या क्या रे यार, कोई बात नहीं। मैं जिस लड़के का बात कर रहा था ना, यही है वो टोनी। मस्त डेयरिंग वाला लड़का है, इसका कभी जरूरत पड़े माले साहब तो मेरे को बताना।
वो जान रहे मुझे मेरा वो वाटर बम किधर है रे बचपन में लेके भागा थे देख तू वो वाटर बम मेरा किधर है पहला बोल घर पे अरे ये कहां से आ गया कौन है ये बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है बहुतों के लाइसेंस कैंसिल कर चुका है कहीं अपने लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे नमस्ते जी नमस्ते पेंजरिक्स रखते हैं आप यस सर कितना है कहाँ है ये रहा सर कितना स्टॉक है आपके पास काफी है सर परसों ही नया स्टॉक आया है ऑफिसर सारा माल जब्त कर लो मिस्टर सिन्हा नमस्कार गुसाई साहब नमस्कार सिन्हा साहब क्या है ये वैक्सीन किस लिए दिया जाता है ये बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाने के लिए किस कंपनी ने इंपोर्ट किया है ये हमारी कंपनी ने क्या मुझे बता सकते हैं इसकी एक्सपायरी डेट क्या है अगस्त 2004 अगस्त 2003 इसका मतलब ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है यार वहां तो कमाल हो गया मुझे बताना पड़ा कि मैं आपका छोटा बेटा हूँ हेलो सर मिस्टर सिन्हा ऑन द लाइन यस सिन्हा सर एफडीए से डॉक्टर गुसाई आए हैं वो कह रहे हैं कि वैक्सीन का जितना भी स्टॉक है सबको हम डिस्ट्रॉय कर दें उन्हें फोन देना एक मिनट सर आपसे बात करेंगे हेलो अरे डॉक्टर साहब आपने वहां पहुंचने की तकलीफ क्यों की मैं तो खुद ही अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिलने वाला था देखिए मिस्टर माल्या पर्टिकुलर इस मेडिसिन का पूरा स्टॉक आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ये आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब मेरा स्टॉक तो करोड़ों का है इतना बड़ा नुकसान कैसे उठा सकता हूं मैं आप करोड़ों के फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं यहां बच्चों की जिंदगी का सवाल है ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब एक्सपायरी डेट के बाद भी ये चीजें साल दो साल इस्तेमाल की जा सकती हैं आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर माल्या ये कोई चीज नहीं वैक्सीन है वैक्सीन मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ डॉक्टर गोसाई मैंने अपने बड़े बेटे से कहा भी था कि इन वैक्सीन्स को टेस्ट करवा के आपसे री अप्रूवल ले ले मैं उसे आज ही आपके ऑफिस भेजता हूँ एक लेटर और एक पैकेट के साथ नहीं नहीं मिस्टर माल्या मुझे कोई पैकेट नहीं चाहिए मैं इसे बिल्कुल अप्रूवल नहीं दूंगा देखिए मैंने जो कहा है वो आप करिए वरना कंपनी के अगेंस्ट मुझे एक्शन लेना पड़ेगा दैट्स ऑल सर जो प्रॉब्लम हुई है उसके जिम्मेदारी है सॉरी सर सर डिस्पैच में तक कम टाइम था इसलिए हमारे लेबलिंग स्टाफ ने शायद लेबल निकाले बिना नया लेबल लगा दिया तो तुम क्या कर रहे थे वहां जब नए लेबल्स लगाने का ऑर्डर दिया गया था तो पुराने लेबल्स कैसे चिपके रह गए आई एम सॉरी सर तुम्हारे साथ क्या किया जाए ये मैं सोचता हूं पहले डॉक्टर को साइंस निपट लो पाटिल हेलो सर हेलो
टोनेबा। इस फाइल पे सिर्फ तू ही साइन करा सकता था। कभी और माल लगे तो मेरे को बताना। क्या टोनी, तेरा मेरा रिलेशन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, पूछ क्यों? वो क्या है, तेरा अंदर एक बहुत अच्छा बात है, तू सवाल नहीं करता है, काम लेता है और झटपट उसको सल्टा देता है। अभी बता तू दिल्ली काहे को जा रहा है? हाँ, तुम्हारे अंदर एक बात बहुत बुरी है, तुम सवाल भी बहुत करता है और काम भी नहीं निपटाता। अब पैसा दो ना पाटिल साहब, ये ले। और जाना पड़ेगा, शो को यहीं छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए, आइए। सुनिए सुनिए, हम माफी चाहते हैं कि हमें शो यहीं बंद करना पड़ रहा है, हमारा सहयोग कीजिए प्लीज, आप शांत हो जाइए, हमारा सहयोग कीजिए, सॉरी फॉर दैट, प्लीज बेयर विद अस।
देखिए मैडम, मेरा जल्द से जल्द बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है, आप मुझे बस एक ही टिकट दिलवा दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, फ्लाइट फुल है, आपको अगली फ्लाइट में डेफिनेटली कंफर्म करूंगी। मैडम मैंने बाकी एयरलाइंस में भी ट्राई किया लेकिन सब फुल है। अरे मेरे पहचान का एक ड्यूटी मैनेजर था, वो भी आज छुट्टी पर है, क्या करूँ, और ट्राई करता हूँ। अपन के पास ओके टिकट है अगर आप चाहे तो। अरे टोनी भाई, अरे ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अरे मैडम ज्यादा सोचो मत, जल्दी से बोर्डिंग कार्ड ले लो। थैंक यू यार टोनी भाई, थैंक यू। आओ मैडम चलो। मैडम ये कंफर्म टिकट। क्या बात है, तू बंबई नहीं जा रहा है? अबे मैं नहीं, तू नहीं जा रहा है? तेरा टिकट दिया उसको मैं। क्या बात करता है, अरे हर टाइम तेरे यही नाटक रहता है। नहीं नहीं मैं बंबई जाऊंगा। अबे गोली समझा कर ना। अरे गोली को मार गोली यार, क्या समझा कर, मैं तो जाऊंगा। मैं तेरे को बोलता हूँ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। गोली समझना, देख हर टाइम तू मुझे क्यों अटकाता है, क्यों अटकाता है बोलना। तो समझता नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू वेरी मच टोनी भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने यार। मैडम का जाना बहुत जरूरी था, समझे कि नहीं? हाँ बोलो भाई। थैंक यू, मुझे बोलो, मैं राजधानी से जा रहा हूँ अभी। ऐसा है क्या? अरे राजधानी से जाने का क्या जरूरत है यार गोली भाई, मैं है ना, मैं इनको साथ। हाँ पंकज भैया ना, तू घबराता क्यों है? ठीक है तू मिल बाद में, मिल तेरा नाटक देखता हूँ मैं। मैं क्या बोलता हूँ गोली भाई, गुस्सा थूक दो ना यार, मैं है ना यार, मैं तुमको फ्लाइट में लेके जाएगा। अभी नाश्ता दे रहे हो ना, अरे तुम चलो ना यार, गुजराती थाली खिलाता हूँ ना। जी न्यूज के दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज पुलिस ने डॉक्टर हरगोविंद गोसाई को अदालत में पेश किया। डॉक्टर गोसाई ने सूर्या फार्मा की एक गलत वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया था, जिसकी वजह से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। पापा, पापा ठीक तो हो ना?
मम्मा इन्हें क्या हुआ? तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हो गई ना शादी तेरी सपना से? अब टिकट ले और स्विट्जरलैंड को निकल ले हनीमून के लिए। मैं तुझे पहले से ही कह रहा था कि तू जिस तरह से सोच रहा है वो गलत है। देखा ना कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अब जिस दिन सपना को समझ में आएगा कि उसकी बाप की बर्बादी का कारण तू है, तो क्या वो तुझे वरमाला पहनेगी? नहीं। किसी की जिंदगी में खड्डा खोद के उसके दिल में जगह बनाई जा सकती है? बोल। ये गलती अपन ने किया, अपन ही इसे सुधारेगा। पाटिल कहाँ है? मालूम नहीं। नहीं मालूम। हाँ नहीं। क्या हो रहा सब? दिखाता हूं। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा पाटिल साहब किधर है? तू पागल तो नहीं हो गया? अरे ले रहा ना इसको ले। अरे फुटबॉल मैच चल रहा है मेरा ऑफिस में, वो साला टोनी गोल पर गोल मार रहा है। मेरा आदमी लोगों को तोड़ा है फर्नीचर की तरह, फर्नीचर तोड़ा वो अलग, अभी मेरे को ढूंढता है। अभी मेरे को काय को ढूंढता है ये तो तुम समझता है? तुम समझता है बराबर? अरे मेरे को छोड़ो, आपको भी नहीं छोड़ेगा माल्या साहब, वो डेंजर आदमी है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? उस लड़के से डर कर घर में छुप जाए हम लोग? देखो पाटिल, तुम उस लड़के के साथ क्या करते हो, कैसे करते हो, मैं नहीं जानता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा आदमी है, लेकिन मुझे उस लड़के के मरने की खबर जल्द से जल्द चाहिए। श्रीवास्तव जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मिनट मैडम से बात कीजिए, एक मिनट लीजिए। हेलो श्रीवास्तव जी, हमने बड़ी उम्मीद से आपको फोन किया है। अगर आप जैसा काबिल वकील ही इस केस को नहीं लेगा तो... देखिए मैं ही क्या, कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालेगा। हाँ सर, लेकिन उसका करियर तबाह हो जाएगा। डॉक्टर गोसाई को अब इस केस में कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आप... सॉरी। हेलो 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 श्रीवास्तव जी। मिलॉर्ड, डॉक्टर एक शब्द जिसका ताल्लुक सीधा इंसान के दर्द और उसकी जिंदगी के साथ है, इस पेशे के सम्मान को इतनी ऊंचाई पर रखा गया है जो भगवान के बहुत करीब है। एक डॉक्टर जब किसी सरकारी महकमे में एक खास जगह पर बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मिलॉर्ड, एक जहर जो दवा की शक्ल में बाजार में बिकता है जिससे कि कई मासूम बच्चों की जानें गई हैं, योर ऑनर, यह सब हुआ एक सिग्नेचर की वजह से जिसे इन्होंने अप्रूव किया है। मिलॉर्ड, डॉक्टर गोसाई के इस अपराध ने न सिर्फ डॉक्टर के पेशे को कलंकित किया है बल्कि इंसानियत के नाम पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। इनके जुर्म की संगीनी का यह आलम है योर ऑनर कि किसी भी वकील ने इनका केस हाथ में नहीं लिया। योर ऑनर, इनका यह कारनामा साबित करने के लिए मैं इस अदालत में काफी सबूत पेश कर चुका हूँ। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर गोसाई को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। इस पूरे मामले को देखने के बाद अदालत इस बात से सहमत है कि डॉक्टर गोसाई से जो भी हुआ है वह एक जघन्य अपराध है, लेकिन अदालती कार्रवाई के नियमों के हिसाब से किसी भी मुलजिम को अपने बचाव के लिए अपने पक्ष को रखने का हक है।
इसलिए अदालत डॉक्टर गोसाई को एक वकील प्रोवाइड करने का निर्देश देती है और अदालत की अगली कार्रवाई तक डॉक्टर गोसाई को पुलिस रिमांड में रखने की मंजूरी देती है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर गोसाई के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। लोग वॉयलेंट हो रहे हैं और पुलिस का उन पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर गोसाई के प्रति लोगों के भीतर कितना गुस्सा है। तीन मासूम बच्चों की मौत से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। लोग पुलिस की सुरक्षा को तोड़कर डॉक्टर गोसाई तक पहुंचना चाहते हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को कई जगहों पर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कहीं कहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मगर सच तो ये है कि लोगों का आक्रोश पुलिस के बल प्रयोग पर भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। अब देखना ये है कि पुलिस डॉक्टर गोसाई की सुरक्षा और पब्लिक के आक्रोश पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाती है। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और कोशिशों से कई बच्चों को मौत के मुंह से बचा लिया गया। डॉक्टरों ने डॉक्टर गोसाई के इस कृत्य की कड़ी आलोचना की है। आज अदालत में सरकारी वकील ने डॉक्टर गोसाई को सख्त सजा देने का आग्रह किया, पर न्यायाधीश जे आर दीक्षित ने डॉक्टर गोसाई के लिए एक वकील मुकर्रर करने को कहा और उन्हें पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया। हमें अभी अभी पता चला है कि इस मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस डॉक्टर गोसाई की सुरक्षा और पब्लिक के गुस्से पर कैसे कंट्रोल पाती है। मैं राधिका सेन, जी न्यूज से। ये थी हमारी हाँ, मैं इसे ब्रश करवा दूंगा, तुम लोग खाना खा लो। चलो रोहन बेटा, जल्दी से ब्रश कर लो, फिर मैं तुम्हें एक नए केस की कहानी सुनाऊंगा। ओके दादाजी। देखा कितना फ्रेश लग रहा, हर रोज खाना खाने के बाद ऐसे ही ब्रश कर। जी दादाजी। हाँ, लाइक ए गुड बॉय। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे आए? वॉचमैन शाम, आपकी फैमिली और वॉचमैन, मैंने दोनों को बंद कर दिया है। मैं आपको एक गलत फैसला करने से रोकना चाहता हूँ। कैसा फैसला? डॉक्टर हरगोविंद बेकसूर है जज साहब। वो बेकसूर कैसे हुए? उन्होंने गलत वैक्सीन को अप्रूवल दिया है और टेस्ट रिपोर्ट पर साइन भी किए। वो साइन मैंने उनसे जबरदस्ती करवाए थे, मुझे पैसे मिले थे इस काम के लिए। और अब मुझे आकर यह बोलने के लिए डॉक्टर हरगोविंद से कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? डॉक्टर हरगोविंद को बच्चा नहीं है जिससे कोई भी आकर साइन करवा ले। मैंने डराया था उन्हें। अरे क्या डराया था उन्हें, और वो कैसे डर गए? जिस जिम्मेदारी और पोजीशन को वो संभाले हुए थे उसका ख्याल रखना चाहिए था उन्हें। अपनी मौत के डर से दवाइयों के बदले जहर बेचने की इजाजत दे दी उन्होंने। मौत का डर क्या फर्ज से ज्यादा ताकतवर हो गया था? He has done a big crime. He must be punished. Law सबके लिए एक है। Now get out. प्लीज
ऐसे डर गया था डॉक्टर हरगोविंद। चला चला गया साला। चंदू उतर के देख। मैं क्यों उतर के देखूं? तू उतर के देख ना। डॉक्टर की वजह से तीन बच्चों की जान गई है। तुम लोगों के घर से कोई मरा है क्या? मरा है क्या? Oh!
देखिए सक्सेना साहब, ऐसे वक्त पे आप ये रिश्ता ना तोड़िए, मेरी बेटी को अपना लीजिए। इस घर में शादी करके आ जाएगी तो उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी के लिए हम अपनी जिंदगी नरक बना लें? सारा शहर थूक रहा है तुम लोगों पर और हम तुमसे रिश्ता कर लें ताकि समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाए, यही चाहती है ना आप? देखिए मेरे पति ऐसे नहीं है, उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, मेरा मन कहता है। तुम्हारे मन के कहने से दुनिया चल रही है क्या? सारा शहर जानता है डॉक्टर गोसाई ने क्या किया है। भाई साहब, हम पहले ही बहुत दुखी हैं, आप ये रिश्ता तोड़ के हमारे दुख को और वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला। एक खूनी की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। बेटा तुम कुछ तो बोलो, आखिर तुमने पसंद किया है सपना को? जी, मेरे ख्याल से डैडी ठीक कह रहे हैं। सुन लिया, अब जा सकती हैं आप। और हाँ, बाहर जाने पर अपना मुंह थोड़ा छुपा के जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं। वक्त बर्बाद कर रही हैं आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला। एक खूनी की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। जी, मेरे ख्याल से डैडी ठीक कह रहे हैं। सुन लिया, अब जा सकती हैं आप। और हाँ, बाहर जाने पर अपना मुंह थोड़ा छुपा के जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं। मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे। मैंने भूल गया, हाथ नहीं लगा। मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हेलो, डॉक्टर अजय सक्सेना स्पीकिंग। बहुत सही वक्त पर हाथ छोड़ा है तुमने। जिंदगी भर सुख दुख में साथ निभाने की बात की थी ना तुमने, और आज मुश्किल के चार दिन नहीं बांट सके मेरे साथ। चलो अच्छा है, तुम्हारी असलियत तो सामने आई। देखो, मुझे कुछ भी सुनाने से पहले जरा अपने घर में झांक कर देखो, सारा शहर तुम्हारे पापा के बारे में क्या क्या कह रहा है। मगर तुम तो सारा शहर नहीं हो ना, तुम तो मेरे अपने थे और तुम तो पापा को भी जानते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। गलत जानता था मैं, उनकी असलियत तो आप सामने आई है। देखो, तुम्हारे साथ रिश्ता करके मैं अपने करियर को तबाह नहीं कर सकता, और मैं भी शादी के लिए तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी। देखो, मुझे तुम्हारी डॉक्टर अजय सक्सेना, आज जो तुम अपने करियर और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो ना, वो मेरे पापा की बदौलत मिली है तुम्हें। मेडिकल कॉलेज में तुम्हें एडमिशन किसने दिलवाई थी? हाँ, मेरे पापा ने। ज्यादा बोल रही हो, याद नहीं कैसी शक्ल लेकर खड़े थे तुम उनके सामने? और ये हॉस्पिटल जिसमें बैठकर तुम अपनी रोजी रोटी कमाते हो, इसको बनवाने के लिए तुम्हें किसने जमीन दिलवाई? मेरे पापा ने। डॉक्टर अजय, तुम और तुम्हारे पापा जो अपने खानदान की इज्जत की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे पापा के एहसानों पर टिकी हुई है। और हाँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो ये रिश्ता ठुकरा दिया। क्या चाहती हो तुम?
धीरज भाई संभाल के। सही वक्त पर हाथ छोड़ा है तुमने। जिंदगी भर सुख दुख में साथ निभाने की बात की थी ना तुमने, और आज मुश्किल के चार दिन नहीं बांट सके मेरे साथ। फादर बेकसूर है। क्या तुम बता सकते हो मेरे पापा को कि वो बेकसूर है? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो उनको बताने? प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो, उनको बता दो कि वो बेकसूर है। प्लीज मैडम, आप समझती क्यों नहीं है, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। अभी आपको जेलर साहब से परमिशन लेनी होगी। मैं नहीं भाई, आपके जेलर साहब से मैं उनसे बात करती हूं। आपको मिलवाता हूं, वो ही आपसे बात करेंगे, मैं नहीं कर सकता। सर ये समझ ही नहीं रही है। जेलर साहब, मैं डॉक्टर हरगोविंद गोसाई की बेटी हूँ, मेरा उनसे अभी मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मैडम, हवालदार ने आपसे क्या कहा? वो तो मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, हम आपको उनसे नहीं मिलवा सकते। बेहतरी होगा मंडे को आइए। सर मंडे बहुत देर हो जाएगी, मेरा उनसे अभी मिलना बहुत जरूरी है। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि उन पे लगाए हुए इल्जाम गलत है, कि वो बेकसूर हैं। जेलर साहब, मेरे पापा ने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है, जब वो इनसे मिलेंगे उनको एक उम्मीद मिलेगी। प्लीज सर, आप मुझे बस दो मिनट उनसे मिलने दीजिए, बस दो मिनट। देखिए मिस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं कानून के बाहर नहीं जा सकता हूँ। अजीब आदमी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मेरे पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं उनको मिलकर बताना चाहती हूँ कि कोई है जो उन्हें बेकसूर साबित कर सकता है, कि वो छूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? ये सब बातें आके मंडे में तो बता सकती हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है? सपना, हम उन्हें बाद में आके मिलेंगे, दो दिन की तो बात है, उन्हें कुछ नहीं होगा। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि जिंदगी ने भी कितना अजीब मोड़ ले लिया है। जिस आदमी से मेरी शादी होने वाली थी, जिसने कभी जिंदगी भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था, जिसके साथ मैंने कितने सपने देखे थे,
उसने आज एक ऐसे मोड़ पर मेरा साथ छोड़ दिया जहां मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और तुम बिल्कुल अनजान, जिसके प्यार को मैं कभी समझ ही नहीं पाई, आज तुम्ही ने मुझ में जान भर दी। कहाँ है वो गिफ्ट जो तुम मुझे देना चाहते थे? तुम ही पहना दो ना। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। दिल तेरी दीवान तुमसे हो गया है। हो गया है इश्क तुमसे हो गया है। पे मेरा रब हो गया है। मेहरबान मुझ पे मेरा रब हो गया है। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। खो गया है। हो गया है इश्क तुमसे हो गया है। Ha 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 ha
कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन उसे हलाल होना ही है। देख दोस्त, तेरा टाइम अच्छा था इसलिए मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। हाँ, बम तो फटने ही वाला है। अभी ऊपर वाले ही कोई चमत्कार कर रहे, उस बुड्ढे की याद चली जाए। और एक रास्ता है, दोनों दुबई भाग चलते हैं। लड़की को तू भूल जा। अरे मैडम, जल्दी कीजिए ना, आज हम डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, 11 से 2 का टाइम है। पंकज भाई, लेकिन मुझे तो टोनी को साथ लेकर जाना है। देखिए मैडम, आज इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए जेल में आज मिलने की इस तरह की छूट दी गई है। हमारे पास टीम कम है, जल्दी निकलना चाहिए। मगर टोनी, उसे मैं इस वक्त कहाँ ढूंढूं? देखिए मैडम, टोनी को लेकर आप फिर कभी मिल लीजिएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। चलिए, टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। देखिए आप, आइए चलिए। कैसे हैं आप? पापा, अब आप बहुत जल्द यहां से बाहर निकलने वाले हैं। ये सपना देखना अब तू भी छोड़ दे बेटी, अब ये नहीं हो सकता। नहीं पापा, ये सपना नहीं है, ये होगा। कोर्ट में साबित होगा कि आप पर लगाए हुए सारे चार्जेस गलत हैं। हाँ बेटी, ये बात सिर्फ सिर्फ तुम ही सोच सकती हो, बोल सकती हो, बाकी शहर में ऐसा कोई भी नहीं है। है पापा, है। ऐसा कोई है जो कहेगा कि आप बेकसूर हैं? वही आई थी यहां पे। टोनी, उसे सब कुछ पता चल गया, बहुत गुस्से में थी।
सपना मैडम है। हाँ जी है। क्यों आए हो यहां पर? चले जाओ यहां से, चले जाओ ऐसे, गेट आउट। सपना मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, कुछ नहीं। अब बचा क्या है मेरे पास जो तुम छीनना चाहते हो? हाँ, मेरा पूरा घर तो बर्बाद कर दिया तुमने, मेरे पापा की जिंदगी तबाह कर दी। अरे खूनी का इल्जाम अपने सर पे लिए हुए जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं वो, और मेरी माँ इस दुख से हार कर मौत को गले लगा लिया उन्होंने। मौत को, मौत का मतलब समझते हो तुम? मर गई वो, मर गई। अरे और क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें? हाँ, मुझे मारोगे? लो मारो, लो मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो, मार डालो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है मुझे टोनी, नफरत। आई हेट यू। हाँ करो, करो नफरत मुझसे। ये लिखा है मेरी किस्मत में, ठोकर और नफरत ही तो है मेरी जिंदगी। सपना मैं मानता हूं जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हारी बराबरी पर खड़ा होना चाहता था। अरे मुझे क्या मालूम था जिस डॉक्टर से मैं पेपर साइन करा रहा हूं तुम्हारे पापा है? तुम्हारे पापा ही क्या, कोई और भी होता तो मैं ये काम होने नहीं देता जिसे छोटे बच्चों की जान चली जाए। उस वक्त तो बस जरूर था सर पर तुम्हें पाने का। किस्मत ने तो पैदा होते ही मुझे अंधेरे में झोंक दिया। 7 साल का था जब मेरे चाचा ने मुझे सोते हुए ट्रेन में छोड़ दिया। शहर की गंदगी में पला हूं मैं, 7 साल की उम्र में शराब की गिलास धोए मैंने, भूख ने इन हाथों को चोरी छीनना सिखाया, उसके बाद जो रास्ता मिला उसे अपना लिया। सपना था कौन जो मुझे अच्छे बुरे में फर्क समझा सकता? यहां तक खुद ही रोना था और खुद ही आंसू पोंछने थे। सपना मेरी जिंदगी में प्यार, खुशी और उम्मीद के नाम पर सिर्फ तुम ही हो, और आज इधर इधर टोनी, किधर तेरा तेरा यार टोनी किधर? वो यार नहीं है, यार नहीं है वो। किधर है, किधर है टोनी? बता बता, ए किधर है बता। वो आया था, चला गया। ओ इधर आया था पर चला गया, किधर गया मुझे नहीं मालूम। किधर गया? अरे बता, ए बोल नहीं तो फोड़ेगा मैं तेरे को। किधर गया, किधर गया पता? किधर गया पता? समझत नहीं तू ना? अभी याद आया क्या? गुलु 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 उससे बात करने को होता है तुझे, अभी पता पूछता है तो भूल गई। हाँ पाटिल है मेरा नाम, विकास पाटिल। अभी सिर्फ इधर फेंका है, पता नहीं बताएगी तो बाहर फेंकेगा। देख शाना पाटिल से पंगा नहीं लेने का है पकिया, इसको पता हम लास्ट टाइम जब अरे भाग टोनी, किधर है तू? तेरे को इधर ढूंढे, इधर आया। पूछ इसको, पूछ। तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं, आई शपथ। कह रहे पाटिल तूने मारा इस लड़की को? हे टोनी, मिशन डिस्टैंड। Tony,
और नहीं मारने का है। थाम थाम बस हो गया। क्या कह रहे अरे तू तू मेरा ऑफिस तोड़ा अभी अब मेरे को भी बोलना बोल थोड़ा। ए ए ए भाव मेरे से क्या मांगता है मुझे बोलना जरा क्या मांगता है तू मारने का नहीं। डॉक्टर हरगोविंद से साइन लेने का काम हमने किसके लिए किया था कौन है वो नका 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 नको उसका लफड़ा में पड़ने का है नहीं बहुत राजमालिया रिलीफ पार्टमा का मालिक राजमालिया अभी मैं सब कुछ बता दे रहा तेरे को अभी मेरे को थोड़ा सांस लेने को देने का तो मैं थोड़ा पान खाएगा पान तेरा पान खाएगा हाई लास पान भी नहीं एक सिगरेट देना प्लीज थैंक यू अभी मैं क्या बोलता है राजमालिया से पंगा नहीं लेने का बहुत डेंजर आदमी है वो बहुत डेंजर जलाने को माचिस देगा मेरे अंदर छेद भी किया तू भूल जाएगा मैं उसको भी माफ कर देगा मैं तेरे को मेरे को जाने दे बस शाड़ा पार्टी मैंने जाते वक्त नीचे पाटिल के आदमी को देख लिया था ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है चलिए मेरे साथ चल गोली जल्दी कर ये फोन कैसे चालू हुआ तूने बिल भरा था क्या नहीं मैंने तो बिल नहीं भरा तू घर कब आया अभी तू आने से दो मिनट पहले ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मुझे लगता है तूने गलत नंबर डायल किया है दोबारा ट्राई कर है? वो हमारे पीछे खड़ा है Thank you.
पर। ठीक है, इस तरफ से। तेरे मालिया साहब से बात करनी है। किस बारे में? डॉक्टर हरगोविंद गोसाई के बारे में। मगर इस वक्त वो तुम्हारे पाटिल को मैं मार चुका हूं। अगर तूने मालिया से बात कराने में जरा से भी देर की तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। हेलो मालिया रेजिडेंस। वैसे ना बोल रहा हूं, सर से बात करो। प्लीज होल्ड ऑन सर। यस सर, मिस्टर सिन्हा ऑनलाइन सर। हाँ बोलो सिन्हा। सर ऑफिस पे एक लड़का आया हुआ है। हाय डैड। वो कहता है कि अगर एक मिनट सिन्हा, आओ विजय बेटे। डैड जन्मदिन मुबारक। थैंक यू वेरी मच डैड। डैड मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस बार भी आप सरप्राइज देंगे? वो तो हम नहीं बताएंगे, जब मिल जाएगा तब देख लेना। वैसे जन्मदिन कहाँ मना रहे हो? वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा डैड। पता लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। पिछले साल तो ढूंढ लिया था हमने, लेकिन इस साल आप नहीं ढूंढ पाएंगे डैड। शर्त हो जाए? हो जाए, और अगर शर्त मैं जीता तो तोहफा मेरी पसंद का होगा। डन डन। टेक केयर। बाय डैड। बाय बाय सन। हाँ सना बोलो। सर ऑफिस में एक प्रॉब्लम है। यह एक लड़का आया, उसके हाथ में पिस्टल है, वो आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर गोसाई के बारे में बात करनी है उसे। वो कहता है कि अगर मैंने उसे आपसे नहीं मिलवाया तो मुझे गोली मार देगा। कौन? कौन डॉक्टर? पहले तो मुझसे मिल मालिया, फिर तुझे खुद याद आ जाएगा कौन डॉक्टर। तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी मैं तुझे नहीं सिन्हा को दे रहा हूं। अगर इसने मुझे तुझसे नहीं मिलाया तो अपन इसे गोली मार देगा। सर इससे मिलना है या नहीं? नहीं। हेलो सिन्हा, सिन्हा क्या हुआ सिन्हा? हेलो मार दिए सिन्हा।
बाप के इधर पैदा होने का नुकसान देगा। एक बात बता, तू 60 लाख की गाड़ी लेकर लड़की लोगों को घुमाता है, ये सब करते रहता है, डिस्को में जाके इटेट ओह इटेट ओह हिलते डुलते रहता है, बाप का माल हलाल करता है। कभी सोचा है तेरे बाप के पास ये माल कहाँ से आया? सोचा है कभी? बोलना बे। अबे हलकट हलकट है तेरा बाप, हाँ? लोगों का गला काटता है, दवा बोल के जहर बेचता है। लेकिन तू टेंशन मत ले, अभी उसका मैटर क्लोज हो जाएगा। टोनी के दिमाग में एक बार घुस गया ना वो, बस क्लास क्लास। कुछ बोलना चाहता है तो बोल ना, तकलीफ क्या क्यों लेता है, मैं आता हूँ। मारा जाएगा वो, बेमौत मारा जाएगा, वो जानता नहीं है मेरे बाप को। नहीं 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 नहीं, तू टेंशन मत ले, अभी जान पहचान हो जाएगी। तू नहीं लगा है ना काम पे, फिर
हेलो राज माल्या, टोनी बोल रहा हूं। तेरा बेटा मेरे पास है और जिंदा है। कल सुबह 11 बजे तक तुझे कोर्ट पहुंचना है और ये कबूल करना है कि उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर गोसाई नहीं तू है। तो तू मुझे धमकी दे रहा है? नहीं, अपन सिर्फ तुझे बता रहा है कि कल सुबह 11 बजे तक तुझे कोर्ट पहुंचना है। से दुश्मनी का अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरे बेटे को सही सलामत मेरे घर तक छोड़ देना। हाँ छोड़ूंगा, तेरे घर पर लाकर छोड़ूंगा। वो तेरा बेटा ही होगा, बस उसमें सांसें नहीं होगी। टोनी, मैं जो कह रहा हूं वो कर। देख टोनी, मेरी बात सुन। डॉक्टर गोसाई के छूट जाने से तुझे क्या मिलेगा? मुझसे हाथ मिला ले, जितना पैसा चाहिए तुझे मिल जाएगा। और अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। मुझसे दुश्मनी का अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुम जैसे कई टोनियों को ऊपर का रास्ता दिखा दिया है। लगता है तुझे अपने बेटे की जिंदगी से प्यार नहीं। मैं अपने बेटे को कितना प्यार करता हूँ ये तुझे अभी पता चलेगा। ये मत भूल, मेरा नाम राज माल्या है। से बोलो कि अगर ये अपनी सलामती चाहता है तो विजय का पता बता दे, वरना। बोल मेरा भाई कहाँ है? बोल! मेरा भाई कहाँ है? बता! बोल! बोल! यादार, मुझे लगता है ये इतनी आसानी से नहीं बताएगा। कुछ करो। Come on, boys. Ah!
John? मालिया साहब, गिव मी 5 मिनट्स। अगर वो मर गया तो विजय कैसे मिलेगा? से आखिरी बार पूछो विकी, बोल मेरा भाई कहाँ है? बोल। नौसचे रॉयल रिसॉर्ट जर्नी रोड। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए डैड। इसे अपने साथ ले चलो। यही बिल्डिंग है ना? हाँ यही है।
तूने ठीक बोला था विक्की, तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। विकी बेटे, विकी बेटे, खड़ा से हे बालिया, कैसा लगा अपन का ये खेल? हा ये पत्ते अपन के बिछाए हुए थे। तूने अपन को फोन पे अटका के रखा, अपन को मालूम है तेरे आदमी अपन तक पहुंचेंगे। टॉर्चर से लेके इस धमाके तक सब अपन का प्लानिंग था। तेरे एक बेटे को तो उड़ा दिया। अगर तू कल कोर्ट में नहीं पहुंचा ना, तो तेरे दूसरे बेटे का भी यही हाल होगा। तमाम सबूत और गवाहों के बयान डॉक्टर गोसाई पर लगे हुए इल्जामों को साबित करते हैं। डॉक्टर गोसाई ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया है। अदालत उन तमाम बच्चों की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर गोसाई को ठहराती है और उनके इस जुर्म के लिए उन्हें मुजरिम करार देते हुए। ये जुर्म डॉक्टर गोसाई ने नहीं, मैंने किया था। उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उन वैक्सीन्स को एक बेनामी कंपनी के नाम पर मैंने मार्केट में उतारा था। राज माल्या ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने माना कि करोड़ों रुपए के नुकसान से बचने के लिए उसने ये जहरीली वैक्सीन बाजार में उतारी। ईमानदार डॉक्टर गोसाई को झुकाने के लिए उसने पाटिल को जोड़ा और पाटिल ने ये काम टोनी को दिया। अदालत ने इस पूरे प्रकरण के लिए राज माल्या को मुख्य आरोपी करार देते हुए उम्र कैद और डॉक्टर गोसाई को अपने पद की मर्यादा को नुकसान पहुंचाने और दबाव में आकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के अपराध में 5 साल और टोनी को डॉक्टर गोसाई को धमकाकर अनैतिक कार्य को करवाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई। बाद में कई सामाजिक संगठनों के आग्रह और डॉक्टर गोसाई की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी 2 वर्ष की सजा माफ कर दी गई। आज राज माल्या जेल में अपने गुनाह की सजा काट रहा है। डॉक्टर गोसाई
मानसिक रोगी बच्चों का एक स्कूल चला रहे हैं और टोनी सपना से शादी करके एक आम नागरिक की जिंदगी जी रहा है। सारी मच गया शोर चिट्टी दूध कुड़ी।